है, झुकेगा नहीं। ऑल द बेस्ट, बहुत सारा ढेर सारा प्यार अपन आगे और बढ़िया करो। और आप तो भाई कैरेक्टर में भूल जाते हो यार, ये भाई साहब डर ही गए थे। एरियल फ्लिक मारा, फ्लैक्टर भी मारे, वो भी बहुत अच्छा था। और थोड़े से प्रभाव में ही चाहूंगा कि थोड़ी यार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है थोड़ा सा पुराना ब्लॉग है। जी हाँ, ये गणपति बप्पा के समय का ब्लॉग है, जहाँ ग्राम डोडा कछार में डीजे डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया था और मुझे वहाँ ना जजमेंट करने का मौका मिला। वैसे तो मैं वहाँ पे लाइव में सबको थैंक यू बोल चुका हूँ, समिति वालों को, बट फिर से इस ब्लॉग में आप सभी को फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बना पाया क्योंकि मैं खुद बिजी था अपने जजमेंट में और मेरे पास ऐसा कोई अच्छा कैमरामैन नहीं था कि भाई उसने कुछ प्रॉपर शूट नहीं कर पाया। जो मैंने सारे जो ग्रुप्स को अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जो भी मतलब मेरे जजमेंट के जो थे, उसको मैं दिखा नहीं पाया हूँ। बस कुछ कुछ क्लिप्स वगैरह हैं, तो आप इन्जॉय कीजिए। और चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि जो जो भी उस दिन जो कंपटीशन के दिन लाइव में जो मेरा जजमेंट देखे थे और वहाँ का जो प्रोग्राम देखा था, तो कैसा रहा मेरा जजमेंट, कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए फिर आज का ये जो वीडियो है शुरू करते हैं। धीरे हो गयो, वे जहां जहां जाते ना, मुझे लगते है वहां के जो दर्शक मन के प्यार का होते ताली होते है ना। एक बार जोरदार जय जयकार के साथ में और यहाँ के समिति के जो भी मेंबर हैं और एसके भाई के बुरावा से मैं आज यहाँ मोला आज मौका मिले थे। बारिश पानी के बाद मोला यहाँ एक बार और जजमेंट का मौका मिले थे। वैसे तो मैं रायपुर में बहुत जजमेंट कर चुका हूँ, पर गांव अंतराम में वो दूसरा बार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये समिति के जो भी मोला यहाँ बुलाई है। और आशा करता हूँ और अपन 100% दूँ आज के जजमेंट में। और बाकी अपन ये भाई मेरे बात करूँ पे ना बहुत सारी अच्छी अच्छी टीमें आई थी, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। तो ये जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये हमारे ग्राम शिवामुद्दी के स्टार ग्रुप है। और ज्यादा हाई लेवल से मैं जज नहीं करा जाऊं, और बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा है और थोड़ा सा मिला के बस थोड़ा सा सुधार देने लगी, बाकी बहुत ही अच्छा नोनी हो। और सर आपको तो पता है कि ये मतलब दो गाने के कोरियोग्राफ नहीं करे हो, ये मतलब तो बहुत ही अच्छा करेंगे। और ऑल द बेस्ट, बहुत सारा ढेर सारा प्यार अपन आगे और बढ़िया करो। और आप मन ये मतलब की बहुत जल्द मोर यूट्यूब के चैनल में भी देखने वाला हो ये लेखा मतलब। तो चलो छोटू मन, बहुत ऑल द बेस्ट आगे बढ़। सलखंड की तरफ से आप समस्त ग्राम वासियों को कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, यह हमारा डांस सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए। ये जो ग्रुप देख रहे हैं आप, ये है सांवरिया डांस ग्रुप सलखंड से। और इनका जो डांस है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इनका अच्छा था। और मैंने लाइव कमेंट किया हुआ था, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, पर यार जो हमारे कैमरा मैन था ना, मुझे शूट ही नहीं कर पाया। तो यार बता दूँ, इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये मतलब थीम था, ये माँ के ऊपर था, माँ और बेटे के प्रति था। जब बेटा छोटे से जब बड़े हो जाता है, तो वो अपने माँ के प्रति एक कुर्ता वाला व्यवहार करता है। तो उसके बाद उसमें नरसिंह भगवान जी प्रकट होते हैं और उनका वध करते हैं। तो उनको एक डांस के माध्यम से इस कहानी को उन्होंने दर्शाया था, बहुत ही बखूबी से और बहुत ही अच्छा डांस था। और एक मैं यही जो ग्रुप था, ये प्रथम स्थान प्राप्त किए। देख रही है आर्यन डांस ग्रुप शंभर है, जो पहले एक राक्षस वाला थीम में करते थे। अब इनका जो थीम था, ये काफी अच्छा था। अभी का थीम सबसे हट के था इनका,
डांस ग्रुप शंभर जो कि किन्नर के प्रति उनके सम्मान के प्रति एक थीम लेके आए हुए थे। तो यार मैं बहुत सारे कमेंट्स किया हुआ था वहाँ पे, आप ऐसी बेसिकली बता दे रहा हूँ, उनका डांस भी बहुत अच्छा था पर इन्होंने कुछ स्थान हासिल नहीं कर पाया। तो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि आपको थीम अच्छा हो पर कहीं ना कहीं वो कमी हो जाती है, बट अच्छा था इनका डांस और बाकी लोग। ग्रुप है बी टाउन भंवरपुर, जी हाँ ये जो गर्ल्स की हिप हॉप करती हैं और ये हमारे भंवरपुर से हैं, तो इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। और तो आप जानते होंगे, जी हाँ ये है रेमड़ा बॉय, सीएनए जीनियस बॉय, इन्होंने भी अभी अभी बहुत ही अच्छा मतलब डांस कर रहे हैं और ये जब भी आते हैं यार खुद नाचते हैं साथ में मुझे भी नचा देते हैं। तो इस ग्रुप और प्रवास जी से कैसे भाई ग्रुप वाले साहब, बहुत खुश सर आपके और बाकी भाई ने तो इतना तो बता दिया। और जो रूपेश और जो प्रभात भाई कैरेक्टर में डूब जाते हो यार, ये भाई साहब डर ही गए थे एनर्जी भी अच्छी है और क्या बोलते हैं आपकी जो स्टंट थे एरियल थ्री मारा फ्लैक्टर भी मारे वो भी बहुत अच्छा था। और थोड़े से प्रभाव में ही चाहूंगा कि थोड़े ट्रेंडिंग सॉन्ग को ऐड करना स्टार्ट कर, ठीक है। मैं एक्चुअली पर्सनली ये राय दे रहा हूँ कि तुम लोग हो हमारे गांव अंचल से जो एज बॉयज को डोमिनेट कर सकते हो, इसीलिए मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि कुछ नया ट्रेंडिंग लेके आओ एक सीजन में एटलीस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग आता है, कुछ सी जी में अभी दिल्ली आई हुई है, तो ऐसे सॉन्ग को थोड़ा ऐड करना स्टार्ट करो, इससे ना आपका ग्रुप और चमकेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इस ग्रुप ने यहाँ पे अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये था कि एकल युगल को एक सेम कैटेगरी में रखकर दिया गया था प्राइस को, तो थोड़ा सा तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ इसलिए कि भाई एकल और युगल से हमको चार मतलब पोजीशन देना था, इससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी हम लोगों ने जो अच्छा किया उसको हम लोग दिया। तो इस कारण ना कई जो एकल डांसर थे वो थोड़े से जिनको मिल सकता है चांस उसको इस कारण चांस नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं कि जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए वही लोग जीते, ऐसा नहीं है यार, बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस किया, बट ये कंपटीशन है तो हम लोगों ने जो अच्छा किया उसी के बेसिस पे हम लोगों ने उनको रैंक दिया। और तो ऐसा कुछ गलत मत समझिए, और कभी भी आसपास आपके डांस कॉम्पिटिशन की जजमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी तो फिलहाल मुझे बहुत कम लोग जानते हैं जजमेंट के लिए, और एज के हमारे श्रवण भाई जी को ज़्यादा मतलब लोग जानते हैं जजमेंट के लिए, तो उन्हीं के थ्रू भी मैं वहाँ गया हुआ था। तो अगर आपको डांस कॉम्पिटिशन की जजमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं जो जो वहाँ पे लाइव उस दिन देख रहे थे तो कैसा रहा मेरा जजमेंट।